अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है वो है शौहर को काबू करने का मुजरिम मंत्र। काफ़ी मेरी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो अपने शौहर से बिल्कुल तंग हैं, परेशान हैं, हत्ता के तलाक तक नौबत आ जाती है, इतना घरेलू झगड़े हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस अमल को मर्द औरतें दोनों कर सकते हैं। अगर कोई भी मर्द अपनी बीवी को अपने प्यार में मुबतला करना चाहे, क्योंकि हत्ता के ये होता है कि वो अपने मायके में चली जाती है, बाद में वो अपने माँ बाप के कहने पर लग जाती है, तो वो लड़का वो मर्द बिल्कुल अपसेट हो जाता है। तो जब आप ये अमल करोगे तो आपकी जो बीवी है आपके प्यार में मुबतला हो जाएगी, बेकरार हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। सबसे पहले आपने इजाज़त लेनी है, चाहे लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, और ये अमल आपने बराह रास्त भी करना है, ठीक है। अगर आपकी बीवी सामने है, घर पर है, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, साफ ज़ाहिर है, और भी काम होते हैं मर्द के, समझ तो आ रही है ना। तो एक्स वाई जेड आप ये अमल उस पर कर सकते हो ताकि वो आपकी हर बात माने। हाँ, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं, जो कुछ मेरी बहनें भी ऐसी हैं कि मेरा शौहर जो है दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व है, लेकिन उस पर कोई इल्म असर नहीं करता, कोई कलाम असर नहीं करती, कुछ भी मैं पढ़ूँ तो वो वजीफे एक्स वाई जेड काफ़ी करते हैं लोग, लेकिन असर नहीं करता। तो ये तवीज़ देख रहे हो आप, इसका आपने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवा के बोतल में पानी डाल के सिर्फ पिलाना है। तो जैसे आप अपने शौहर को पिलाओगे या शौहर पिलाएगा अपनी बीवी को, तो उसी टाइम उसके प्यार में मुबतला हो जाएगी। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी बीवी वो दूर है या मायके में चली गई है, तो वो इस मंत्र को ना, इस मंत्र को आपने मोबाइल वाली तस्वीर पे करना है। 3 दिन, चौथे दिन वो खुद कहेगी कि मैं घर आना चाहती हूँ। अगर ये बीवी करना चाहे अपने मर्द पे, वो भी कर सकती है। वो मायके में बैठी होगी और उसका जो खामद है वो उसको लेने के लिए घर पहुंच जाएगा। तो इस मंत्र को आपने ऐसे पढ़ना है, शार्शन मार्शन, सिर्फ 50 बार। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। अब मैं ज़्यादा चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।